बादाम खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं और उनके बेचारे वो आदत डाल रहे हैं उनको। साथ दो और आगे तुम्हारे पास टाइम यही आएगा, उपवास रखने पड़ेंगे जो हालात हालात पैदा कर रहे हैं। और कल जो आप लोग बैठे हुए थे, मैं पत्रकार लोगों से धन्यवाद करता, हिसार में रैली हुई, इतने ज्यादा पुलिस ने लगा दी होते तो बंदे नहीं सुन के, वहां भी चार पांच एमएलए बैठे थे, तो बात क्या कर रहे हैं कभी पाने की। शाबाश हरियाणा वालों, असि भी मैं भी पंजाब पैदा हुआ सी, और फरीदाबाद जैसे बताया परिवर्तक था पंजाब, तो मैं भी जब पैदा हुआ था पंजाब था और मैं हरियाणा वासी। और शाबाश उस किसान भाई की जिसने कहा हमारी जमीन तो बचा ले पहले, हम पानी की तो बात कर ही लेंगे। जो प्यार हरियाणा वासियों ने, उसमें भी हमारे नेता जी आए थे यहाँ पर, बोल के गए हैं कि जो जो इन क्रेनों से सामान रखा था वहां पर, वो हरियाणा वासियों ने ट्रैक्टर से खींच के कर दिए साइड पे। तो कल वहां पर एसवाईएल की मैं एक मिनट रुका, और अभी मैंने कहा टाइम समाप्त हो गया, टाइम तो अभी शुरू हुआ, टाइम तो अभी शुरू हुआ, अभी तो बात पे आया हूं मैं, तो भैया एक मिनट ही रुका तेरा भाई। वो जो बंदे बैठे थे ना वहां पर, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंदे इकट्ठे कर रखे थे, आपने पूछा है पंजाब केसरी से, उसका इंटरव्यू पढ़ेंगे ना तो पूछ लीजिए आप क्या कर रहे हो, कह रहे हमारे नलके में पानी नहीं आ रहा। उनको ये नहीं पता, उनको समझा के तो बोलना क्या है, वो नलके की बात। लखनपुरी गांव है हमारे यहाँ कोनवे सूर्य के पास, वहां से वो भेड़ कट्ठी करके लाके बैठा दी गई, उनके एक बंदे के जवाब नहीं मिला। और अनशन किसान में बंदा बैठा है पेड़ वाला है कोई, कह रहा आप किसान हो, कह रहा हाँ जी किसान नेता खड़ा होगा, मैं भी किसान हूँ, कह रहा एक एक एकड़ जमीन में कितना बीज डलेगा बताओ, तो कह रहा हम तो फौज में रहे कर्नल हूं मैं, ये हूं मैं वो हूं। अरे हम तो किसान को कह रहे हैं फिर ये नकली किसान ना लाओ, जो किसान जो जानता है किसानी का, ये बैठे है शक्लें बता देती है। तो मेरी बेनती है कि सरकार को ये बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा, तभी तो कह रहे हैं दोगली बातें मोदी की नहीं चलेगी, हर बार बेवकूफ बना रहे हैं, अब बार बार नहीं बन सकते हम। जब दिखा रहे हो मीडिया दिखाता है जी मोदी जी पार्लियामेंट में जा रहे हैं माथा टेक रहे सीढ़ियों पे, ये न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर में बैठ के न्याय शर्म आनी चाहिए। अब मीठी मीठी बातों पे अब सारी बातें खुल गई है, कच्छ में जाके 10,000 खड़े कर दिए कि जी ये कौन है, वो किसान में नहीं होगी भैया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिलने के लिए सारे बैठे, बैठ लो मगर ये बातें अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। और हम जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे लीडरान जो हमारे नेता आगे लगे हुए हैं, जब तक हम बैठे रहेंगे। और आज हमने जो प्रोग्राम यहाँ आए थे आपके पास, तो इसलिए आए थे कि बाबा राम सिंह जी वो भी शहीद हुए, वो दर्द भी सह सके। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जब भी करनाल में का काम होता था, बाबा राम सिंह आते थे सबसे पहले लंगर के लिए, उसको बाबा जी को बोलते थे। और आज मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री को ये बोलते भी शर्म, ट्वीट किया चार दिन बाद, तो दशा देख रहे थे ना, जो वो कहते हैं हम इतने सालों से इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, ये तो निकले क्या, हमने भी आज तक शुरू से वोटे डाली है मगर निकले क्या, कहता कुछ और है करता कुछ और है। अब पब्लिक जाग चुकी है, अदानी अंबानी की सरकारें नहीं चलेंगी, किसानों की सरकारें चलेंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।